आज हम भ्रामरी प्राणायाम को कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का मतलब सिर्फ हमें सांस निकालना नहीं होता है, भ्रामरी प्राणायाम को आप कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट भ्रामरी प्राणायाम को हमेशा मेडिटेशन डे में कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में एक बच्चे से लेकर के बूढ़े इंसान तक इस चीज की बहुत जरूरत है। रीजन, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी आ जाती है। नेगेटिव एनर्जीज कैसे? नेगेटिव एनर्जीज का मतलब है आपके अंदर अगर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, या आप अंदर से विद एनी रीजन आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो इट शुड बी मेक इट आउट। आपको जितना बाहर निकालना है निकालिए, मेक एवरीथिंग आउट, क्योंकि जब तक आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को बाहर नहीं निकालेंगे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज ग्रैब नहीं होगी। तो नेगेटिव एनर्जीज को गलत जगह पर, गलत लोगों के सामने, गलत टाइम पर निकालने से मच मोर बेटर है कि हम इसको मेडिटेशन वे में निकाल लें। इससे अच्छा क्या हो सकता है ना? तो आज हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम मेडिटेशन वे में। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। मेडिटेशन वे में सबसे पहले आपका स्पाइन स्ट्रेट, सेकेंड आप जिस जगह पर, जिस टाइम पर भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं वो प्लेस आपका बिल्कुल शांत होना चाहिए, वहां पे कोई आवाज या कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए ताकि आप उस पे कंसंट्रेट कर पाए। एंड थर्ड, आप हो सके तो ऐसी जगह पर बैठिए जहां आपको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपके अंदर जैसी एनर्जी होगी वो उस तरीके से बाहर निकलेगी। आपके अंदर इमोशंस हैं, बैड इमोशंस, make it out. आपके अंदर गुस्सा है, make it out. आपके अंदर frustration है, make it out. निकालिए उसको बाहर। भ्रामरी प्राणायाम के दौरान आपके अंदर bad memories, bad emotions जो आपको बार बार परेशान करते हैं, आपके brain में hit करते हैं, उन्हें आप याद कीजिए और बाहर निकालिए। इसमें कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, first finger आपके forehead पर, eyebrows के ऊपर, सेकेंड आपके आईब्रोज के नीचे, थर्ड नोज के कॉर्नर्स पर, फोर्थ लिप्स के कॉर्नर्स पर, अंगूठे से कान बिल्कुल बंद, टिप आपस में नॉर्मली टच रहेंगे, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट डूइंग भ्रामरी। इट शुड बी लॉन्ग लाउड एंड डीप। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हमें ना साउंड निकालेंगे। इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। आपको जब तक सेटिस्फेक्शन ना मिले आप तब तक भ्रामरी प्राणायाम कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको जब लगता है अपने कंफर्टेबल हो आप उठ सकते हैं। अगर आपको हाथों को इस पोजीशन में रखने में पेन होता है तो आप अपने हाथ सिंपली डाउन कर, सिंपली अपने कान बंद करके भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भ्रामरी प्राणायाम को ज्यादा टाइम तक कर पाएंगे, अपनी इमोशंस को बाहर निकाल पाएंगे। इस प्राणायाम को करने का कोई टाइम नहीं है, आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं एंड आप इसको चाहे तो डेली भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने कॉल और मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।